हे गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ शुभम सुदामा। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप आधार का जो कॉपी होता है उसे डाउनलोड कैसे कर पाएंगे अपने मोबाइल पे। इसके लिए आपको कोई कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं है, आप अपने मोबाइल पे ही आधार कार्ड का एक कॉपी डाउनलोड कर लेंगे। और वो क्या प्रोसेस होने वाला है वो सारा मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आपको समझ आ जाए, और इसके बाद आप भी अपना जो आधार का कॉपी है वो डाउनलोड करके उसे कहीं भी यूज़ कर पाएँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, मैं आपको बताता हूँ करना क्या होगा। तो आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कोई दिक्कत आता तो कमेंट करके पूछिएगा। आप मुझे कमेंट करके अपना फीडबैक भी दे सकते हैं जिससे कि आने वाले टाइम में मैं अपने वीडियो को और इम्प्रूव कर पाऊँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, हम आ चुके हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे, और इसमें आपको ओपन कर लेना है कोई भी एक ब्राउज़र। जैसे मैंने यहाँ पे ओपन किया क्रोम ब्राउज़र, ठीक है। और यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है UIDAI, ठीक है। और इसमें सबसे पहला ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है UIDAI.gov.in वाला, इस वाले पे आपको क्लिक करना है। आप डायरेक्ट इसे भी अपने ब्राउज़र में सर्च करेंगे तो आप नेक्स्ट पेज पे पहुंच जाएंगे जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। और इसका लिंक जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप वहाँ से भी क्लिक करके पहुँच सकते हैं। तो सीधे क्लिक करते हैं फर्स्ट वाले पे। अब देखिए आ गए, सबसे पहला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है गेट आधार। और गेट आधार में अगर आप नीचे देखेंगे थोड़ा सा तो आपको दिखाई देगा डाउनलोड आधार। डाउनलोड आधार पर क्लिक करना है सिंपली। इसके बाद डाउनलोड इलेक्ट्रॉनिक कॉपी फॉर योर आधार का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे तीन ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आधार नंबर से कर सकते हैं, अगर आपका आधार कार्ड बन चुका है तो आधार नंबर से करिएगा, अगर आपने अप्लाई किया है और इनरोलमेंट नंबर मिला है तो उससे करना है, और अगर आपको वर्चुअल आईडी से करना है तो इस वाले पे क्लिक कर सकते हैं। फिलहाल हम आधार कार्ड नंबर से करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर डालना है, ठीक है। और अगर आप मास्क आधार चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कैप्चा डालेंगे, उसके बाद सेंड OTP पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो हम फिलहाल अपना आधार कार्ड नंबर डालते हैं। सो गाइस, आधार कार्ड नंबर और कैप्चा डालने के बाद हमें सेंड OTP पे क्लिक करना है, और जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा वहाँ पर आपका OTP चला जाएगा। तो हम करते हैं सेंड OTP। सो देखिए हमारे नंबर पर चला गया है। तो देखिए यहाँ पे लिख रहा है एन OTP हैज़ बीन सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ठीक है। उस OTP को आपको पहले यहाँ पे डालना है, 6 डिजिट का OTP होगा। सो गाइस देखिए हमारा OTP है कि हमने OTP डाल दिया। अगर मान लीजिए इनकेस आपका OTP नहीं आता है तो आप रीसेंट OTP पे क्लिक करिए, ठीक है। OTP डालने के बाद आपको एक सर्वे फिलअप करना होता है, इसके बिना आप जो आधार कार्ड है अपना डाउनलोड नहीं कर सकते। तो मैंने सर्वे फिलअप किया है, मैं आपको बता दूँ है क्या, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन ये है कि आपको पता है कि आप UIDAI वेबसाइट से आधार रिप्रिंट का ऑर्डर दे सकते हैं। मैंने यस किया, अगर आपको पता है तो यस करिएगा वरना नहीं, ठीक है। नेक्स्ट में है कि आप जब आपने आधार बनवाया होगा तो आपके घर में कितने दिन में आया। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है 5 दिन में, 5 वर्किंग डेज, दूसरा है 6 to 10 डेज, तीसरा है 11 to 15 डेज, और फिर मोर देन 15 डेज, और डिड नॉट रिसीव नॉट ऑर्डर। तो मेरे केस में मुझे रिसीव नहीं हुआ था, आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आ गया वेरीफाई एंड डाउनलोड, ठीक है। इससे पहले यहाँ पे नीचे कुछ दिया गया है, द आधार इलेक्ट्रॉनिक कॉपी इज पासवर्ड प्रोटेक्टेड डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो ये जो कॉपी आपको मिलेगा PDF, वो आपको पासवर्ड मांगेगा, ठीक है। पासवर्ड क्या होगा, यहाँ पे देखिए नेम का 1st 4 डिजिट, और जो आपका DOB ईयर होगा, डेट ऑफ बर्थ का जो ईयर होगा वो आपसे मांगेगा, ठीक है। और नेम कैपिटल में होगा, जैसे मेरा नाम अगर शुभम है तो शुभम का 4 डिजिट फर्स्ट का SHUB, और जो 2000 जो मेरा डेट ऑफ ईयर होगा वो मांगेगा, ठीक है। अब आपको करना है वेरीफाई एंड डाउनलोड। तो हमने वेरीफाई एंड डाउनलोड किया तो हमारा जो आधार था डाउनलोड हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे एक पासवर्ड मांगा जाता है। और इसके बाद आप ओपन पे क्लिक करेंगे तो आपका ओपन हो जाएगा, वरना आपका ये ओपन नहीं होगा अगर आप पासवर्ड नहीं डालेंगे। तो पासवर्ड प्रोटेक्टेड दिया जाता है UIDAI के द्वारा, तो हम इसे ओपन करेंगे। सो हमारा आधार कार्ड आप देख सकते हैं डाउनलोड हो चुका है। इस पर काफ़ी सारा वीडियो बना हुआ था, लेकिन मैंने इस पर बनाया क्योंकि काफ़ी अपडेट हो चुका है, इसका जो वेबसाइट है टाइम टू टाइम अपडेटेड होता रहता है। तो मैंने सोचा कि 2021 में एक वीडियो मैं आपको इस पर भी बना के दूँ कि आपको डाउनलोड कैसे करना है। सो आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कोई दिक्कत आता है तो कमेंट करके पूछिएगा। आप मुझे कमेंट करके अपना फीडबैक दे सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा, जिससे आने वाले टाइम में मैं अपने वीडियो को और इम्प्रूव कर पाऊँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।